वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो आपको किन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी एक वैलिड तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से एफआईआर दर्ज हो सके। तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी लीगल एक्ट होता है, तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जरूर दे देनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। एफआईआर का मतलब होता है कि आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन, मतलब कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, जिससे कि आपके पास प्रूफ होता है कि पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि आपने पहले ही पुलिस को कंप्लेंट कर दी है। दोस्तों, एफआईआर जो होती है, उसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि आपको एफआईआर हमेशा लिखित में दर्ज करवानी चाहिए। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, आप ओरली वहां पर बताएंगे, तब भी आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। मगर मैं आपको पर्सनली एक सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप एक पेपर में जो भी आपके साथ इलीगल एक्ट हुआ है, उसको लिख लीजिए और उसकी एक कॉपी जरूर करवा लीजिए। मान लीजिए, तो आप इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर आप एक और कॉपी करवा लेंगे, तो आप पुलिस स्टेशन में एक कॉपी वहां पर दे देंगे और दूसरी कॉपी में पुलिस वाले आपको स्टैंप लगा के दे देंगे, डायरी नंबर लिखकर दे देंगे। दोस्तों, पहली बात तो ये, आप लिखित में कंप्लेंट करेंगे, लिखित में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उस एफआईआर में जो भी आपके साथ इलीगल एक्ट हुआ है, जिस जगह पर हुआ है, जिस दिन हुआ है, जिस डेट को हुआ है, जिस टाइम पे हुआ है, जिसके सामने हुआ है, वो सब चीजें मेंशन जरूर करें। सबसे पहला पॉइंट है डेट, जिस डेट को आपके साथ इलीगल एक्ट हुआ है, उस डेट को मेंशन कीजिए। दूसरा, टाइम को मेंशन कीजिए। तीसरा, किस जगह पर हुआ है, वो जगह मेंशन कीजिए, उसके नियरेस्ट में जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे, और वहां पर कौन कौन मौजूद था। मान लीजिए आपके साथ जो लूटपाट हुई है, तो कितने लोग थे, वो कौन कौन, वो किस भेष में आए हुए थे, मतलब कि उन्होंने क्या पहना हुआ था, वो गाड़ी से आए थे, मोटरसाइकिल से आए थे, पैदल आए थे, या कैसे भी आए थे, वो सब चीज़ें आप एफआईआर में दर्ज करेंगे। और वहाँ पर कौन कौन मौजूद था, वहाँ पर कौन कौन सी दुकानें थी जो खुली हुई थी, मान लीजिए ऐसे कोई चलते फिरते रोड में आपके साथ कोई ऐसी लूटपाट होती है, तो वहाँ पर कौन कौन सी दुकानें खुली हुई थी, किस किस ने वो देखा, वहाँ पर कौन कौन से जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, ये आपके पास एक एविडेंस का प्रूफ हो जाएगा। ये आप सीसीटीवी को तो उसमें मेंशन नहीं करेंगे, बट आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये दुकानें खुली हुई थी और ये लोग देख रहे थे, मेरे साथ ऐसा इलीगल एक्ट हुआ। अब क्या होगा, आपने पूरी इंफॉर्मेशन उस एफआईआर में दर्ज करवा दी, आपके पास एक पक्का प्रूफ होगा। अगर आपके पास एक, मतलब कि आपके पास एक ही कॉपी है जो आप पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं, तो पुलिस वालों की ये ड्यूटी होती है कि उसकी एक फोटोकॉपी करके, उसमें स्टैंप लगाकर, उसमें डायरी नंबर लिखकर आपको एक कॉपी निशुल्क दी जाएगी। तो दोस्तों, ये बेसिक जो है चीज़ें हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा इलीगल एक्ट होता है और आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं पुलिस स्टेशन में, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए कि डेट, टाइम, जगह, प्लेस, क्या इलीगल एक्ट हुआ, कितने लोग थे, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करिए। और आपको जो एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, उसमें स्टैंप पुलिस स्टेशन की, डायरी नंबर जो रजिस्टर में मेंशन करते हैं, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। जो है पुलिस अधिकारी है जिनको आप देते हैं, उनके साइन होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एफआईआर दर्ज कैसे की जाती है, लिखित में की जाती है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, साधारण भाषा में। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।